नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डूड कैथल ब्रेकिंग टीवी से। दोस्तों इस वक्त आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हम लोग कैथल के जिला सचिवालय में मौजूद हैं और हमारे साथ गांव किठाणा से कुछ बुजुर्ग साथी यहां पे पहुंचे हैं। इनकी क्या कुछ मांग है, ये अभी थोड़ी देर पहले डीसी साहब से भी मिले थे, आइए इनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये? हाँ जी, क्या कुछ मामला है ये, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरे भी नंबरदार गांव को कहना, हमें ये हमारे सोसाइटी में गमन हुआ है। 31 तारीख को हमें 31 जनवरी को इसको डीसी साहब को मिले थे, पूरा हमारे को विश्वास दिया गया था और उसके बाद कोई जानकारी नहीं हुई, कोई अधिकारी नहीं वहां पहुंचा। हम आज फिर डीसी साहब के पास आए हैं, डीसी साहब ने ये विश्वास दिया है, बोले भाई मेरे पास जो बड़े अधिकारी थे उनकी बदली हो चुकी थी, इस चक्कर में इस चीज़ की गलती की माफ़ी मांगता हूँ। और आज जो आप जो आज आए हो इसकी पूरी जानकारी होगी। और मैं अभी SDM साहब को कैथल SDM की वहीं मौके पर बुलाया है, SDM साहब को भी फुल पावर दे दी है भाई, अभी इसकी गबन की जानकारी। मामला क्या है? गबन है कि मतलब किस चीज़ का गबन हुआ है ये? गबन तो एक मिनट करके आज दुआई बीज यूरिया DAP ये सभी का गमन है। अच्छा, इसमें सारे अधिकारी जितने भी होंगे इस FIR में सोसाइटी के सारे के सारे मिली भगत हुए हैं और सभी ने सभी अधिकारियों ने मिलकर ये पूरा गमन कराया है। कितने का कुछ गमन हुआ है कि मतलब 52 लाख का तो इस साल से पहले हो दिया है, 52 लाख का गमन हो चुका है। और इस नई साल में जो ये कट्टे आपके पास दिखाए हमने, भाई इतने कट्टे हैं, ये मेरे ख्याल में कोई 2-3 हज़ार कट्टे हो गए टोटल बीज के खाद के, ये मौके का गमन अभी नहीं है। कोई जान अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। हमने पहले ये कहा था माजी, जो खाद का गमन है जो कट्टे का, अभी अधिकारी ने भेज के वहाँ उसका जाँच शुरू। ये जो 52 लाख का आप आंकड़ा बता रहे हैं, RTI से आए या खुद ही कैलकुलेट कर लिया? नहीं, RTI से वो खुद ही बता रहे हैं। नहीं बता रहे, एक तो RTI के पास से आया, RTI के लिए वो अधिकारी बता रहे हैं मतलब खुद ही गबन करके खुद ही कह रहे हैं कि हमने 52 लाख का कर दिया। हाँ, एक में छोटा उदाहरण देते हैं, पुलिस बुलाए के काम हमारा तो पूरा तो गमन करके, और अपने आप बोल रहे आप बता रहे हैं, सारे अधिकारी नहीं कर रहे गमन हो रहा है। मतलब इसका सबूत भी है कि सबूत भी है, मैं सबूत ये दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, सबूत ये डीसी साहब के सामने आपने पेश किया है। मुख्य तौर पे कौन कौन आरोपी है इसमें सोसाइटी की अगर बात करें? ना बता रहे मैं तो, अपना बता दो। मैं तो दयानंद मैं तो सेक्रेटरी बुलवा। अच्छा जी, सारे के नाम बता दीजिए जितने भी है। बस पहले अच्छा, ये किसने सेल्समैन है, किसने राजकुमार सेल्समैन है, सेवादार दलवीर सेवादार कमलेश। कितने दिन पुराना मामला है ये? बहुत पुराना चल रहा है, फिर भी कोई अंदाजा? 3 साल के करीब चल रहा है, 3 साल के करीब ये मामला हो गया। अभी तक कोई इसका कोई सलूशन नहीं निकला जी, कोई संज्ञान नहीं हो रहा। आपसे पहली बार मिले? डीसी साहब से दूसरी बार मिले आप? एक बार 31 जनवरी को मिले थे। अच्छा, अब मिले हैं दूसरी बार? फिर अभी मतलब हमने पता ही अभी चले है, मतलब इसे 2021 में जब खार नहीं मिला। नहीं, अच्छा, होना जो अधिकारी थे, जो आपस में अधिकारी थे, जो मिलके ने खारे थे, गमन करे थे, उनकी आपस में फूट हुई। अच्छा, अधिकारियों ने ही आपस में ये फूट होने के कारण हम लोगों ने सभी ने पता लगा, इसका उजागर भी इन्हीं ने किया, कर भी इन अधिकारियों ने आपस की फूट में उजागर किया है। भाई इतने रुपए का घोटाला है ये, तो 52 लाख का तो अपना आप ही कबूल कर रहे हैं, इसमें अंदाजा है 1.5 करोड़ के करीब, 1.5 करोड़ के करीब का घपला है इसमें। और इसमें कई तो ऐसे कर्मचारी हैं जो 2010 तक सस्पेंड करे हैं, टर्मिनेट करे हैं, और वो दोबारा फिर इसी में ज्वाइन कर रहे हैं अपना आप ही। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं। ये गांव की ये लोकल सोसाइटी होती है किसान के लिए, अब जो तनख्वाह होती है ये भी किसान ही देता है, उसके अंदर जो खाते होते हैं ना, खाता का हिस्सा बढ़वा है,
इस सगा ब्याज से इनकी तनख्वाह होती है। अपना फिर उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने आवाज उठाई जब ये लोग टर्मिनेट हो चुके थे, फिर से ज्वाइन? साहब जी हमने पता ही अभी लगे ना, अभी पता लगा, हमने कोई पता नहीं था इसकी ज्वाइनिंग है या नौकरी कर रही है या नहीं कर रही है, हमने कोई पता नहीं था। एक है कर्मचारी उसके पीछे बढ़ रही है, मतलब 50,000 रुपये उसकी सैलरी है और वो आंदे नहीं, बिल्कुल ही नहीं आंदा। एक बार हाजरी ला के जावा है, फॉर्मेलिटी पूरी करके जावा है, जींद में डायरी कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा और पेमेंट ऑफ पे ले रहे पूरी। एक अपनी मर्जी था, कारगिल में मरे थे फौजी, पहाड़ों पर पड़े हैं बर्फा में, उनकी तो तनख्वाह है 35,000 रुपये, ये 60,000 रुपये अपने आप ही कर रहे हैं, 60,000 रुपये पे अपना आप ही कर रहे हैं, ना इनका कोई रेगुलेशन है ना कोई उसमें और एक और भी है जी, एक साल में 12 महीने हुए हैं, 12 महीने की पे होंगे, 13 महीने की पे नहीं, साल में 13 महीने की पे नहीं है या कोई, यहाँ इसका भी तो कुछ होता होगा, नहीं तो पता लगना चाहिए भाई, महीने तो हुए 12 पे 13 की काम करने 12 जो किसानों से पैसे कटते हैं आप कह रहे हैं किसानों से इनको पैसे मिलते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब कौन लोग देते हैं किसानों में भी? ये तो एक जो हरे किसान मिलता तो सरकार की तरफ से है, किसके हाथों जाके मिलता उनको? ये कोऑपरेटिव बैंक है जी, हाँ कोऑपरेटिव बैंक के नीचे है यह शाखा, ठीक है सोसाइटी, यह जो कोऑपरेटिव बैंक के लोन देगा का वो आगे ही है, वो रजिस्टर है इनका उसमें है, तो यो है जी तरह बाजी कर रहा हूं मिलंदा जैसे नहीं, और दोस्तों इनका पूछेंगे और खास बात है क्या? नहीं ना ना, ठीक है दोस्तों, इनका ये मामला आपने सुना सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे ये गबन की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के डीसी साहब से मिले हैं, पहले भी एक बार मिले थे, अभी भी इनको आश्वासन मिला है कि एक्शन होगा इसको लेकर के। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मैं हरदीप डूल, जय हिंद जय जवान जय किसान।